हेलो एवरीवन। तो आज की जो रीडिंग है ये हम देखने वाले हैं कि आज शाम आपके जो पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे थे। ठीक है, रीडिंग का टॉपिक ये है। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, इस बात का पूरा ख्याल रखना है। और रीडिंग जिनके साथ भी रेजोनेट करती है आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, मुझे पता है नहीं करेंगे आप लोग। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। सो गाइज, जो है आज मैं आप लोग को फिर से बताने वाली हूँ ब्रेसलेट के बारे में। बस 2 मिनट का टाइम लूँगी मैं, 2 मिनट। ये जो ब्रेसलेट है आप देख रहे हो, रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट है। ये स्पेशली लव लाइफ के लिए यूज़ किया जाता है। इस ब्रेसलेट के पहनने से आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, सेल्फ लव होता है। अपने आप से जो लोग प्यार करना भूल जाते हैं, जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं उनके लिए है। जिन लोगों का रिलेशन टूट गया है, ख़त्म हो गया है, जिन लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, आपके पर्सन से आपका सेपरेशन साल भर 2 साल पहले हो गया है और अभी भी आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का, तो आप इस ब्रेसलेट का यूज़ कर सकते हो अपने पर्सन के लिए, अपने पर्सन के प्यार के लिए या अपने पर्सन के साथ अपना रिश्ता सही करने के लिए। मैंने ये ब्रेसलेट बहुत सारे लोगों को दिया है जिनका जो है ब्रेकअप 2 साल 3 साल पहले हुआ, किसी किसी का 6 महीना, किसी किसी का 1.5 साल पहले हुआ है ना, ब्रेकअप हो गया था, पूरी तरीके से नो कांटेक्ट में थे। फिर ये ब्रेसलेट पहनने के 2 से 3 महीने बाद बहुत सारे लोगों को रिज़ल्ट आया है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लेट से रिज़ल्ट मिला है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि 2 से 3 महीने में ही उनको रिज़ल्ट मिला है और काफ़ी बेहतरीन रिज़ल्ट मिला है। रिव्यू मैंने आपसे पहले, आपसे कुछ दिन पहले शेयर किया था है ना, और उनका भी ब्रेकअप 2-2.5 साल पहले हुआ था और उनके भी पर्सन जो है ना जो है कांटेक्ट करने लगे। 2 से 3 महीने ब्रेसलेट ही उन्होंने पहना था, ठीक है। मैंने इसको बताया था कि कैसे यूज़ करना है। तो ये अगर आप ब्रेसलेट लेना चाहते हो अपने पर्सन के साथ रीयूनियन के लिए या अपने आप से प्यार करने के लिए, या आप चाहते हो कि आपके तरफ कोई अट्रैक्ट हो, ठीक है, आपकी लोग बातें माने, बातें सुने, आपको कोई जो होता ना कि आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे अंदर अट्रैक्शन पावर ही कम है, तो आप इसको पहनो ना, ठीक है, आप इसको पहनो, लोग आपसे प्यार से बातें करेंगे, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। ये क्रिस्टल का इतना अच्छा इफेक्ट होता है। और इसके साथ मैंने यहाँ पे ऐड किया है ब्लैक ऑनिक्स, ये देख रहे हो, इसमें रोज़ क्वार्ट्ज भी है और ब्लैक ऑनिक्स है ये, ठीक है। ब्लैक ऑनिक्स क्या करेगा, ये आपके जॉब को, ठीक है, आपके माइंड को, आपके स्टडी को ये क्या करता है, फोकस करता है, ठीक है। आपके आपके जो है माइंड जो आपका स्ट्रेस में रहता है उसको सही करता है, स्ट्रेसफुल माइंड को सही करता है। किसी काम को करने में अगर आपका मन नहीं लगता है तो उसमें ये आपकी हेल्प करता है। तो लव लाइफ में भी हेल्प करेगा, आपके हेल्थ में भी हेल्प करेगा, जॉब में भी, मनी में भी, नज़र नहीं लगेगी आपको, नज़र दोष नहीं होगा आपको, ठीक है। तो इसका ये बेनिफिट है। तो अगर आप लेना चाहते हो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ये भी आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर दोनों में से कोई लेना चाहते हैं या रिंग लेना चाहते हैं रोज़ क्वार्ट्ज का, तो वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। रिंग मेरे पास, मैं वो भी दिखा देती हूँ, मेरे पास अवेलेबल है अभी यहाँ पे, ये देखो रिंग, ठीक है, ये रिंग है। ये साइज आप एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा यहाँ पे करने के लिए साइज दिया गया है, आप इसको अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो रोज़ क्वार्ट्ज का रिंग भी आपको एक्टिवेटेड ही मिलेगा, तो आप इसको ले सकते हैं, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा पीस है। इसमें अलग अलग डिज़ाइंस भी हैं आपके लिए, तो अगर आप लेना चाहते हैं ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए, ठीक है। या आप किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है, उसके साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा बनेगा, ठीक। चलिए अब करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। आज शाम की पहले एनर्जी चेक करते हैं आपके पर्सन की, ठीक है, ओके। ब्रोकन हार्ट, ओके। अबंडेंस नंबर 3 है, नंबर 9 है, नंबर 26 है स्टेबिलिटी, नंबर 6 कॉन्ट्रैक्ट, एंड मेरे पास नंबर 39 फिफ्थ चक्रा। बॉटम ऑफ द डेक नंबर 21 स्ट्रैटेजी का कार्ड है।
चलिए बात करते हैं कार्ड्स की। तो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं आपके पर्सन के एनर्जी के अनुसार से। देखिए आपके पर्सन और आप, ठीक है, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन है ना, इनकी एनर्जी आप देख ही रहे हो कि किस एनर्जी में है, कितना ज़्यादा अकेलापन, कितना ज़्यादा दर्द, ब्रोकन हार्ट लिए हुए यहाँ पे ये पर्सन है। ठीक, मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं, बहुत पेन में हैं, और इनका जो पेन है ये इनको काफ़ी पेन दे रहा है, पेन पेन ही दे रहा तकलीफ़ें इनकी कम नहीं हो रही, तकलीफ़ें इनकी बड़ी हैं। ठीक है, आपके पर्सन जो है ना अभी फ़िलहाल शाम को काफ़ी तनहा, काफ़ी अकेलापन, काफ़ी दर्द फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनका जो दर्द है, इनकी जो तन्हाई है, जो अकेलापन है, इनको खाए जा रहा है। ठीक है, आज शाम आपके पार्टनर का जो, आपके पार्टनर के अंदर जो दर्द है, जो तकलीफ़ है ना, इस पर्सन को परेशानी ही दे रहा है। इस पर्सन को परेशानी के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है। जस्ट अ मिनट, लाइट कभी अप एंड डाउन करता है। जस्ट अ मिनट। ओके, तो आपके जो पार्टनर है ना, मुझे काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ को फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपको मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज शाम आपके पर्सन को जो कहते हैं ना कि प्यार क्या होता है, आपके पर्सन पूछते थे ना कि यार प्यार क्या होता है, तो वो प्यार आपने दिया है इस पर्सन को, वो प्यार आपने इस पर्सन को दिया है, इस पर्सन को बताया है कि आखिर प्यार क्या है। ठीक, और उस प्यार को याद करके जो है ना, ये पर्सन का दिल टूटा, तकलीफ़ हो रही है, बेचैनी हो रही है, काफ़ी ज़्यादा अंदर से अकेलापन हो रहा है, अंदर से जो कहते हैं ना कि होपलेस हो जाना, वो दिखाई दे रहा है आपके पर्सन का, कि ये पर्सन जो है ना आपके होपलेस होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं, आपके जो पर्सन हैं यहाँ पे काफ़ी अग्रेसिव हैं अभी फ़िलहाल, काफ़ी अग्रेसिव नेचर है भी इनका, और काफ़ी अग्रेशन के साथ ये पर्सन जो है ना बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं आपके, काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन आपको भूला नहीं पा रहे हैं आपके साथ। हो सकता है कि इनके कुछ लड़ाई झगड़े हुए हों, जिसके वजह से काफ़ी फ्रस्ट्रेट दिखाई दे रहे हैं पर्सन, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, और ये पर्सन जो है आपके, देखिए आपके पर्सन जो है ना आपसे खुल के बात करना चाहते हैं। ठीक है, ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि मुझे खुल के बात करनी चाहिए अपनी प्रॉब्लम के बारे में या अपनी सिचुएशन के बारे में, ताकि मेरे पर्सन को जो है पता चल सके कि मैं क्या जो है फेस कर रहा हूँ और जो है मैं क्या फील कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके पर्सन जो है ना आपके साथ अपने रिलेशनशिप को बहुत बेहतरीन बनाना तो चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ तो करना चाह रहे हैं। ये पर्सन को महसूस हो रहा है कि आप भी इनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा, और ये भी दिख रहा है कि आपके पर्सन को आपके लिए जो जो स्टैंड लेना है या जिस तरीके से आपको देना है इस पर्सन को, है ना, उस तरीके से ये पर्सन जो है ना आपको दे नहीं पा रहे हैं या आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। ठीक, और ये पर्सन की एनर्जी मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है आपके, कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है। देखिए ये पर्सन आपको जस्टिस दे के ही मानेंगे, आपको बिना जस्टिस दिए हुए इस पर्सन को चैन और सुकून नहीं आएगा। इस पर्सन की एनर्जी मुझे ये दिखाई दे रही है, ये पर्सन तनहा तनहा फील करेंगे। ये पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आएगा कि इन्होंने ही सब कुछ बिगाड़ा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन आज शाम काफ़ी ज़्यादा उदास थे, काफ़ी परेशान मुझे दिख रहे हैं, और परेशानी वाली फीलिंग्स, इमोशंस क्लियरली इनकी नज़र आ रही है मुझे।
चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं। टेन ऑफ सॉर्ड्स, देख रहे हो क्या फील कर रहे हैं? एकदम से खालीपन, अकेलापन, दर्द, है ना? दर्द के अलावा इनके लाइफ में और कुछ नहीं है। इनको ऐसा फील हो रहा है कि मेरे लाइफ में तो दर्द के अलावा कुछ है ही नहीं, मेरे लाइफ में सिर्फ पेन ही पेन है। ठीक है, मेरे लाइफ में सिर्फ पेन ही पेन है, पेन के अलावा और कुछ नहीं बचा मेरी लाइफ में, कुछ भी नहीं बचा। और थ्री ऑफ सॉर्ड्स, देख रहे हो आपके पर्सन को आपकी बहुत याद आ रही थी आशा, बहुत ज़्यादा। ये पर्सन समझ बूझ, ये पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही कि इनको कुछ भी आइडिया नहीं था या नहीं है कि आप इनको भूल चुके हो या आप इनको पाना ही नहीं चाहते। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इनको लग रहा है कि आप शायद जो है ना अब अपनी लाइफ में मूव करना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। अब आपने अपने आप को टोटली चेंज कर दिया है और इसी बात को सोच करके, इसी बात को महसूस करके आपके पर्सन को काफ़ी तकलीफ़ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपने अपना एक दूसरा रूप दिखाया है इस पर्सन को, जो कि आपके पर्सन ने कभी देखा नहीं होगा। ठीक है, आपको हमेशा ये पर्सन इग्नोर करते रहे हैं या आपको हमेशा डिच करते रहे हैं, लेकिन अब आपने अपने अपने अंदर बदलाव किया है जिसके कारण से ये पर्सन को देख करके यहाँ पे तकलीफ़ महसूस हो रही है। ठीक है, आज की शाम मुझे लगता है कि इस पर्सन ने आपको मैसेज भी किया होगा, बट आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया होगा इनको, इनके मैसेज को बस सीन किया, बस छोड़ दिया, क्योंकि आप दिखाना चाहते हो, आप बताना चाहते हो कि यार तुम्हें हमें दर्द होता है, हमें भी तकलीफ़ होती है, सिर्फ तुम्हें ही नहीं होता है। ठीक है, तो आप इस पर्सन को एहसास दिलाना चाहते हो। ठीक है, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, बहुत सारे कार्ड्स आ गए थे। नाइन ऑफ वैंड्स, एकदम से ये पर्सन जो है ना आपके ये डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपको फेस करना या आपको जो आपकी एनर्जी है अभी उससे टक्कर लेना इनके लिए अब वही थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अभी जो है ना ये पर्सन मुश्किल में है। ठीक है, एट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, मुश्किल में है ये पर्सन और इनको महसूस तो हो रहा है कि इनको बात करनी चाहिए, एक बार हिम्मत तो करनी चाहिए, एक बार बात करनी चाहिए इनको, किसी भी तरीके से बात करनी चाहिए, बात तो करनी होगी, है ना? बात करेंगे तब तो बात बनेगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना अपने आप को आगे की तरफ ले जाने के लिए, बात करने के लिए आपसे अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हायरोफेंट की एनर्जी है, किसी से पूछ रहे हैं। ठीक है, किसी से पूछ रहे हैं आपके बारे में कि क्या आपसे बात करना इनके लिए अभी फ़िलहाल जो समय चल रहा है वो सही है कि नहीं। जस्टिस जो है ना ये पर्सन आपको देना चाह रहे हैं। ये पर्सन को महसूस हो तो रहा है कि आप भी इनकी कमियों को जो है ना बर्दाश्त नहीं करते होगे, या आप भी इनको जो है बहुत मिस करते होगे। ठीक है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि आप इनसे बात करना चाहते हो कि नहीं, क्योंकि ये तो बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, किंग ऑफ कप्स, एकदम से अपना इमोशनल पॉइंट रखना चाहते हैं ये पर्सन आपके साथ। ठीक है, अपना इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, अपने जो अंदर के जज्बात हैं वो रखना चाहते हैं आपके सामने ये पर्सन। मुझे बहुत अच्छी सी एनर्जी दिखाई दे रही है, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी भी आ गई। ये पर्सन सब कुछ बुला करके, सब कुछ आपके सामने अपने आप को, है ना, प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। ये पर्सन को दिख रहा है कि आपके साथ ही इनका फ्यूचर बेहतर हो सकता है। जजमेंट देख रहे हो, ईश्वर का किया हुआ है ये। ये पर्सन अब ईश्वर को मान रहे हैं और ये पर्सन ईश्वर को मानते हुए यहाँ पे सोचते हुए दिख रहे हैं कि ईश्वर ईश्वर ही चाहता है कि हम दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। ईश्वर हमें चाहता ही नहीं कि हम दोनों अलग हों एक दूसरे के, एक दूसरे से, और एक दूसरे से इतना ज़्यादा अलग होना भी ठीक नहीं है। तो आपके पर्सन सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पर्सन जो है सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मतलब एक होता है ना कि
नहीं, अब जो है ना समय आ चुका है कि टू ऑफ कप्स अब समय आ चुका है कि अब जो है ये पर्सन आपके लिए खड़े हो, आपके लिए स्टैंड ले, आपके लिए जो एक होता ना कि प्यार मोहब्बत और बातें है ना वो करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ। ठीक, द वर्ल्ड की एनर्जी है, इन दूरियों को ख़त्म करने में ही अब भलाई है। आपके पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पर्सन इन दूरियों को ख़त्म करके आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये पर्सन। ठीक, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपके कार्ड्स में। ठीक है, तो शाम को तो इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा आपकी याद आ रही थी, काफ़ी मिसिंग एनर्जी है, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी ऐसी है जो कहते हैं ना कि मतलब आपसे बेहतर, आपसे अच्छा इंसान कोई नहीं है इनकी लाइफ में अभी फ़िलहाल। ठीक है, तो वो मुझे नज़र आ रहा है आपके कार्ड्स में। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग, आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। ठीक, तो ये है आपके कार्ड्स, सो ये है आपकी रीडिंग, मिलेंगे अब हम अगली रीडिंग में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।